हेलो यूट्यूबर्स, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप अपने चैनल पर कितने कैटेगरी की वीडियो डालेंगे, क्या म्यूजिक कैटेगरी की वीडियो डालेंगे, कॉमेडी कैटेगरी की वीडियो डालेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो डालेंगे, हाउ टू लाइफ स्टाइल की वीडियो डालेंगे, या फिर न्यूज की वीडियो डालेंगे, पीपल एंड ब्लॉग की वीडियो डालेंगे, स्पोर्ट्स की वीडियो डालेंगे, क्या आप एक चैनल पर इन सभी तरीके की वीडियो डाल सकते हैं या नहीं? अगर आपके मन में सवाल है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। आपको कंफ्यूजन ये होती है कि मैं अपने चैनल पर एक वीडियो डाल दिया है हाउ टू लाइफ स्टाइल की, एक वीडियो म्यूजिक की, एक वीडियो मैंने डाल दी है कॉमेडी की, अब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? और कुछ लोगों का यह भी सवाल हो सकता है जिनका चैनल मोनेटाइज है ऑलरेडी, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या मेरा चैनल डीमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगा? ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आप कभी नोटिस करना, जब आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वहां पर एक कैटेगरी का ऑप्शन आता है, राइट? कंटेंट लिखा होता है एड योर वीडियो टू ए कैटेगरी सो व्यूअर कैन फाइंड इट मोर इजिली। इसका मतलब यह होता है कि आप अपनी वीडियो की कैटेगरी सिलेक्ट करें। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही चैनल पर 10 कैटेगरी की वीडियो नहीं डाल सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और आप किस तरीके से अपना चैनल चला पाएंगे अगर आप अलग अलग कैटेगरी की वीडियो डालते हैं तो? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानना होगा कि आप अगर 2-4 कैटेगरी की वीडियो डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी, आपके चैनल पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले आप जान लीजिए आपके चैनल पर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो ये कि आपके ऑडियंस मिक्स हो जाएगी, मतलब कि आपकी एक पार्टिकुलर जो ऑडियंस थी वो ऑडियंस अब बिखर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई न्यूज की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, राइट? आपने कोई न्यूज की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, अब न्यूज जिसे पसंद है वो तो आपके वीडियो को देखेगा। आपके चैनल पर टोटल 5000 सब्सक्राइबर है, सपोज करिए आपके चैनल पर टोटल 5000 सब्सक्राइबर में से 2500 सब्सक्राइबर ने आपकी न्यूज की वीडियो देखकर सब्सक्राइब किया है, और 2500 सब्सक्राइबर ने आपकी कॉमेडी वीडियो देखकर उनमें से 1000 ने सब्सक्राइब किया है, 500 ने आपकी म्यूजिक वीडियो देखकर सब्सक्राइब किया है, 500 ने आपकी हाउ टू लाइफ स्टाइल के देखकर सब्सक्राइब किया है, 500 ने एजुकेशन वीडियो देखकर सब्सक्राइब किया है, 500 ने ब्लॉग वीडियो देखकर सब्सक्राइब किया है। अब जब आप ब्लॉग की डालोगे तो 500 ही लोग देखेंगे, आप अगर म्यूजिक की डालोगे तो 500 ही लोग देखेंगे, लेकिन अगर वहीं पर आप न्यूज की डालोगे तो 2500 से ज्यादा लोग देखेंगे, 2500 भी देख सकते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके मन में यह सवाल है कि यूट्यूब कहीं मेरे चैनल को डीमोनेटाइज ना कर दे, कोई रीयूज ना भेज दे, कोई रिपीटेड कंटेंट ना भेज दे, या चैनल ही डिलीट ना कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब ने एकदम स्पष्ट बताया है कि आप अपने वीडियो को जो इजी तरीके से आपकी वीडियो को लोग फाइंड कर पाए वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यूट्यूब सिर्फ इतना कहता है कि अगर आप कैटेगरी अपनी सही तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका चैनल, आपकी वीडियो बढ़िया चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके चैनल पर तब प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि आपके व्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे, 0 व्यूज आएंगे, आप चाहे जितनी मेहनत कर ले। ये आपको करना चाहिए अगर आपके चैनल पर आपको कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से मैनेज करना है। आप हमेशा एक कैटेगरी को सिलेक्ट करिए, वीडियो कितनी भी कैटेगरी की डालिए लेकिन आप एक नीश कैटेगरी सिलेक्ट करके रखिए कि आप इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे या इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आगे चलकर ज्यादा बनाएंगे। ये आप करेंगे तो आपके चैनल पर हमेशा अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में तो बताना ही, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं, आपको जानकारी देता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।